आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अभी हमने लास्ट पंख के अंक तो मोनोमोर, तो यहाँ पर मोनोमोर और उसके दोस्तों ने एक कविता लिखकर भेजी है। क्या आप पढ़ना चाहोगे? हाँ जरूर पढ़ना चाहोगे। तो जल्दी से अपनी पुस्तक ए निकालिए और पुस्तक ए का हम पाठ 13 पतलू का सपना, पाठ 13 पतलू का सपना शुरू करने जा रहे हैं। यह एक कविता है। तो अपनी पुस्तक का पृष्ठ 121 जल्दी से अपनी पुस्तक ए का पृष्ठ 121 खोलेंगे सभी बच्चे। चलिए तो शुरू करते हैं। रविवार की छुट्टी थी, काम से उसकी कुट्टी थी, टंगी दूध की मटकी थी, लगाई उस पर टकटकी थी, टकटकी लगाए वह सो गया, सपनों की दुनिया में खो गया। सोमवार जब आएगा, दूध से दही जब जाएगा, मंगलवार को बेचूंगा दही, तभी तो पैसा आएगा, बुधवार को पैसों से मुर्गियां खरीदने जाऊंगा, कुकड़ू कू की आवाज से सुबह सबको जगाऊंगा, गुरुवार तक खिला पिला उनको मोटा बनाऊंगा, शुक्रवार को अंडे बेचकर पैसे ढेर कमाऊंगा, शनिवार को तिजोरी एक अपने घर बनवाऊंगा, नजर जो डाली चोरों ने डंडा मार भगाऊंगा, सोच सोच कर न जाने कब डंडा उसने उठा लिया, जोर जोर से हवा में उसको इधर उधर घुमा दिया, डंडा लगा मटकी पर, टंगी थी जो उसके सर पर, मटकी गई फूट, सपना गया टूट। तो बच्चों यह थी हमारी कविता पतलू का सपना। अब उसका सपना तो टूट गया, पर अब हमें क्या कार्य करना है? अब हमें अपनी पुस्तिका में दिनों के नाम लिखने हैं। यह जो दिनों के नाम आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं उनको आपको रेखांकित करना है। क्या करना है? रेखांकित, और उन्हीं को अपनी पुस्तिका में लिखना है। आशा करती हूँ आप सभी यह कार्य करके लाएंगे। धन्यवाद।